हेलो दोस्तों, हम काव्य हेतु इस विषय में अध्ययन कर रहे हैं। इससे पिछले क्लास में हमने प्रतिभा और व्युत्पत्ति इन काव्य हेतुओं के ऊपर चर्चा कर ली थी। आज हम तीसरा काव्य हेतु अभ्यास इस विषय में अध्ययन करेंगे। अभ्यास के सर्व विषय में आचार्य मोहम्मद से पहले काव्य शास्त्रों ने विवेचन किया है, जिनमें सबसे पहले आचार्य भामह आते हैं। भामह अभ्यास के विषय में कहते हैं, शब्दाभिधेय विद्यायुक्त्वात् तद्विदुपासनम् अर्थात काव्य रचना को देखकर किसी काव्यज्ञ की उपासना करते हुए काव्य निर्माण के कार्य में प्रवृत्त होना ही अभ्यास है। इसी तरह आचार्य बामन ने भी वृद्धजनों की सेवा करते हुए उनके निर्देशन में काव्य की रचना करना को इन्होंने अभ्यास कहा है। आचार्य मोहम्मद भी अभ्यास के विषय में कहते हैं, काव्यं कर्तुं च विचारयितुं ये जानन्ति तत् उपदेशेन करणे योजने च पुनः पुण्येन प्रणतीति। अर्थात काव्य कैसे शिक्षा प्राप्त करके अभ्यास करना ही काव्य का काव्य हेतु है। यहाँ काव्य के से तात्पर्य यह है, जो काव्य की रचना करने वाले या फिर काव्य के मर्मज्ञ को जानने वाले या फिर काव्य की समालोचना करने वाले होते हैं, ऐसे काव्यज्ञ के या वृद्धजनों के पास में जाकर के उनसे शिक्षा प्राप्त करना तथा बार बार काव्य का निर्माण करना ही अभ्यास कहलाता है। अब बात आती है कि इन तीनों काव्य हेतुओं में कौन श्रेष्ठ है और कौन नहीं। तो आचार्य मोहम्मद ने समन्वयात्मक दृष्टिकोण अपनाते हुए इन तीनों हेतुओं को काव्य के निर्माण के रूप में एक आवश्यक अंग के रूप में स्वीकार किया है। वे कहते हैं, तरह समुदिता का न तो व्यस्ता था काव्यस्य निर्माणे उद्भवे समुन्नास्य च हेतुः न तु हेतवः। आचार्य मोहम्मद ने काव्य
हेतुओं के लिए बहुवचन शब्द का प्रयोग न करके एक वचन हेतु का प्रयोग किया है, जिस प्रकार घट के निर्माण में दंड, चक्र, मिट्टी आदि का योगदान आवश्यक होता है। इनके किसी एक के बिना भी हम घट का निर्माण नहीं कर सकते हैं। उसी प्रकार उत्कृष्ट काव्य के निर्माण में प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास, इन तीनों के सम्मिलित रूप का होना आवश्यक है। इसलिए इन्होंने काव्य हेतुओं के लिए बहुवचन शब्द का प्रयोग न करके एक वचन हेतु शब्द का प्रयोग किया है। इस प्रकार हमने काव्य हेतु का अध्ययन कर लिया है। आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।